विष्णु जी, इनका कहना यह, और ओवैसी साहब ने भी इस बात को आज कहा कि भाई वो जो महिलाएं गई थी जिनका केस आप लड़ रहे हैं, वो स्पेसिफिक जगहों पर, डेजिग्नेटेड जगहों पर पूजा का अधिकार मांगने के लिए गई थी, ये एक बात होती है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो उससे बिल्कुल बहुत आगे की बात है। आप ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर था, तो वहां वो कह रहे हैं कि यहाँ 91 लाख लागू क्यों नहीं होगा? देखिए, आप इस बात को समझिए सौरभ जी, यही बात मैं कहना चाहता हूं और यही सबको समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं, ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था कि जो हमारी बाबरी मस्जिद है वो समय के अंत तक बाबरी मस्जिद रहेगी, क्योंकि बात वो बैरिस्टर है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक लॉ को प्लीट किया और कहा कि अगर एक बार कोई संपत्ति वक्फ की हो जाती है तो वो हमेशा वक्फ की रहती है। तो यहाँ पे हमारा यही कहना है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद भी हमारे देवता वहां पे मौजूद हैं, वहां पे हमारा शिवलिंग मौजूद है, और मैंने अपने केस में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की प्लीडिंग की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की। आज मैं चैलेंज करना चाहता हूँ सारे लोगों को, अगर आपको इस केस से कोई दिक्कत है तो आइए एक बात करते हैं, एक बात में चलिए सहमति बनाते हैं कि जो वहां पे शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाएगी किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, और कार्बन डेटिंग करके निकाला जाएगा कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और शिवलिंग है कि फव्वारा है। मैं इस जांच के लिए तैयार हूं, आप तैयार हैं क्या? बोलिए बारिश साहब। मैं ये बात जांच करना चाहता हूं कि एसआई से कि इस पूरे जगह का कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है कि नहीं, आप तैयार हैं क्या? जब हम सवाल रेस करते हैं आप कहते नहीं, ये तो बात ही नहीं रेस कर सकते। अगर लॉयर होंगे तो भी इनको बराबर कानून की समझ नहीं है, इन्होंने ये कह दिया अभी सौरभ भाई। सर, आपके यकीन करने से मैं लॉयर नहीं बदल जाऊंगा। बारिश भाई, आपके कहने से फाइनल हो गया, मेरा वकालत का बैंड उतर जाएगा, ना मैं वकील रह जाऊंगा। आपको पर्सनल अटैक करने की आदत है, आपको उसी भाषा में मैं जवाब देना जानता हूँ जिस तरह से आप मुझे अटैक कर रहे हैं। आप वकील हैं क्या? आप तो कोर्ट में टीवी चैनल में डिबेट करने के अलावा आप क्यों नहीं आते हैं? आप क्यों नहीं आते कोर्ट में? नहीं, आप कोर्ट में क्यों नहीं आते हैं? आप क्यों आएंगे? अरे हम आएंगे, तुम्हारी छुट्टी करके जाएंगे, फिगर में पूरे कोर्ट में भी आएंगे, लड़ेंगे भी, आगे जरा देख लो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर वारिस पठान को ले समझ में आ जाएगा। बहरहाल वहां तक जाना नहीं चाहता मैं। आप तो मुझे एक दिन भी आएंगे सिविल कोर्ट में नहीं दिखे। सुनिए, सिर्फ पर्सनल अटैक करने के अलावा आप काम नहीं है। चले विष्णु जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो ये कमेटी है, बारिश साहब, बारिश जी, इन्होंने, विष्णु शंकर जैन जी ने साफ साफ कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करें, एएसआई की जांच कराएं, पता चल जाएगा फव्वारा है कि शिवलिंग है, मंदिर है कि मस्जिद है। नहीं, मैं तो उससे भी आसान सा एक तरीका, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इनको पता है ना ये वाली सब बातें, फिर क्यों बातें कर रहे हैं यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि वो जो वजू खाने का एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में बारिश भाई नमाज पढ़ सकते हैं, इनको पता है ना, हो गया। फिर क्यों इस तरह की बात, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अरे क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? अभी सुनिए, मुझे पता है कि आपका झूठ पकड़ा गया, अपने देश ने देख लिया। खामोशी के साथ सुनिए। आप बनारस सिविल कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो, अच्छी बात है, करिए वहाँ पे, सुनिए बात खामोशी से। लावारिस भाई, वो पिटीशन इंफेक्चुअस हो गई है, कितना चाहिए, सुनिए बात। आप एक सीरियस पॉलिटिशियन है तो सीरियस बात कहिए। वो पिटीशन इंफेक्चुअस हो गई सुप्रीम कोर्ट के, उसका कोई मायने नहीं रखता। सवाल कर रहा हूँ मैंने तो, अगर आपके हिसाब से अगर कोर्ट ने आज सारे फैसले सुना दिए, फाइनल फैसला हो गया, तो 22 तारीख को क्या हियरिंग के लिए रखा हुआ है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गलत अफवाह मत फैलाओ। 22 तारीख के दिन श्री जी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पिटीशन थी, उसको एडमिट किया है कोर्ट ने, कहा कि हियरिंग कर सकते हैं, हियरिंग करेंगे आपके रिटन स्टेटमेंट के लिए, आपके जवाब के लिए उसको रखा है। लेकिन मुझे यकीन है उसके पहले अंजुमन जो कमेटी इंतजामिया, ये इस जजमेंट के खिलाफ अपील करेगा हाई कोर्ट में, पिटीशन फाइल करेगा। हाई कोर्ट है हर छोटे कोर्ट के ऑर्डर को करेक्ट करने वाली एक बड़ी कोर्ट होती है, करेक्शन के लिए लोग जाएंगे। लेकिन आप इस तरह से लड्डू मिठाई बांट के नहीं बोल सकते कि फाइनल फैसला हो गया। वहां नमाज पे कोई पाबंदी लगाई नहीं लगाई, वजू पे पाबंदी लगाई नहीं लगाई। हम तो लड्डू मिठाई बांटेंगे वारिस भाई, और हम तो आपको कहेंगे कि आप भी आओ हाई कोर्ट में, इस बार बहस करने आओगे ना वारिस भाई? हाई कोर्ट आएंगे कि नहीं बहस करने? इसको करेक्ट करना जरूरी है, प्रेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का डायरेक्ट उल्लंघन है, हमारा ये मानना है, क्योंकि बाबरी मस्जिद केस के वक्त सुप्रीम कोर्ट ठीक है। चले सर, ठीक है, आपने कहा इसको फैसले को चैलेंज किया ही जाएगा हाई कोर्ट में, तो वहां पर आप ऊपरी अदालत देखेगी इस मामले को। एक चीज मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूं, आज ओवैसी साहब ने यह कहा कि जब प्रधानमंत्री ने जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, कुछ नहीं कर सकते, उसको बनाने के लिए एक प्लॉट की अदला बदली की गई इसी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के साथ,
तो अगर आपने प्लॉट बदला है तो इसका मतलब आपने उसको मालिक माना उस प्लॉट का, तो अगर आप मस्जिद के प्लॉट को लेते हो तो मतलब आप मस्जिद की प्रॉपर्टी मानते हो। आप फिर से आप नया एक बखेड़ा खड़ा करना चाहते हो देश के। एक मिनट बारिश साहब, एक मिनट जरा जवाब आ रहा है, पहले विष्णु जी के पास, बारिश जी को थोड़ा रोक दीजिए। विष्णु जी के पास मैं फोन बैठा हुआ हूं, वो कंटीन्यूअसली बोल रहे हैं, आवाज आ जाए जरा विष्णु जी की, एक बार इनको रोक दीजिए या इनके फेडर्स ऑफ। विष्णु आप बोलिए, उनकी आवाज बंद है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सौरभ भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा और इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो सरकार ने एक्सचेंज किया है वो एक्सचेंज वफ एक्ट की धाराओं के खिलाफ है, बिना कोई एनओसी लिए गए वो एक्सचेंज किया गया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर सरकार कोई एक्सचेंज करता है तो सरकार के एक्सचेंज करने से ना डेटी ना डिवोटीज बाउंड होंगे। अगर आप कुछ भी एक्सचेंज करने, सरकार के एक्सचेंज करने से डिवोटीज बाउंड नहीं होते हैं, और एक्सचेंज करने से सरकार ने उनका टाइटल मांग लिया, इस तरह का इन्फ्रेंस करना अपने आप में गलत है और वफ एड का उल्लंघन है। दूसरी बात, अगर सरकार ने इसको एक्सचेंज किया है तो एक्सचेंज करने से क्या ये सारे हिंदू समाज पे बाइंडिंग हो जाएगा? अगर एक्सचेंज कर लिया तो क्या ये एक्सचेंज डेटी पे बाइंडिंग हो जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं हो सकता है। और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की सेक्शन 5 में इस पूरी संपत्ति को भगवान की संपत्ति घोषित किया जा चुका है 1983 में। उसके अगेंस्ट उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल की और सुप्रीम कोर्ट ने बात अपने जजमेंट में लिखी है। वारिस पठान साहब वकील है, मैं इनसे कहूंगा उसको पढ़ें, पैरा नंबर 1 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का, जिसमें कहा गया है कि औरंगजेब ने यहां एक मंदिर को तोड़ा और मंदिर तोड़ने से पहले भी यहाँ पे मंदिर एग्जिस्ट करता था, मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू यहाँ पे पूजा करते चले आए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसमें 5 ज्योतिर्लिंग में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में भी सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसा नहीं है वारिस भाई आज हम कोर्ट में आगे कोई नया केस लेके, हमारी यहाँ पे आस्था समय से पहले से चली आ रही है और आपने उस आस्था को छिन्न भिन्न करने का काम इस आक्रांता औरंगजेब ने किया है और इस संवैधानिक इंडिया में, इस इंडिपेंडेंट इंडिया में अपने बाबा की जगह को पुनर्स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे कोर्ट के माध्यम से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।